अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे अंडे और आलू का सालन। तो सर्दियों में अंडे और आलू का सालन बेहद मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर भगोने में मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया है और यहाँ पर मैंने अंडे बॉईल करके रख लिए थे। अब इसको हम हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पहले इसको फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट के अंदर ही अंदर ये फ्राई हो जाते हैं। और इसको हम बहुत ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना, हल्का सा गोल्डन टच आने पर हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें 2-3 मिनट के अंदर ही हमारे अंडे फ्राई हो चुके हैं। इस तरीके से हम घुमा घुमा कर इसको फ्राई कर लिया है, तो इससे ये टूटते भी नहीं है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब इसी भगोनी में हम 2 चम्मच तेल और डाल देंगे। तो 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने तेल और डाल दिया है, जिसमें कि हम मसाले को भूनेंगे। साथ में डाल दिया मैंने गर्म मसाला। तो इसके अंदर मैंने जायफल, जबत्री, दालचीनी, लौंग, इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च सब चीज़ें ले ली थी। और उसके साथ में मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं। तो धनिया डाला मैंने 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी है, हल्दी पाउडर डाल दिया था 1/2 चम्मच और नमक डाल दिया मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से। 1-1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और जो जार में मसाला लगा हुआ था प्याज का हमारा, उसको खंगाल के मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाले हमारे जले नहीं। साथ में ले लिए मैंने आलू, तो नए आलू लिए हैं मैंने। तो जब तक हमारे आलू हम छील के तैयार करते हैं, यहाँ पर मसाले को मैंने ढक्कन ढाँक कर रख दिया है ताकि मसाला भी हमारा अच्छे तरीके से भुन जाए। और ये आलू हमारे छिल के तैयार हो गए हैं। अब इसको एक फॉर्क की मदद से हम इसके अंदर छेद कर लेंगे ताकि इसके अंदर मसाला खूब अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। और आलूओं को हम आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको साबुत ही डालेंगे ताकि अंडे के साथ साथ ये गोल गोल आलू डलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके आलू सारे डाल देते हैं। साथ में हमारा मसाला तो अच्छे से भुन ही गया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो कसर थी वो आलूओं के साथ में भुन जाएगा। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे हम इसके अंदर, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे और देखते भी रहेंगे कि आलू हमारे गले के नहीं गले। तो सबसे पहले हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डाल देंगे ताकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमारा हाथ भी ना जले। तो इस तरीके से हम इसको पहले चेक कर लेंगे हाथ से। तो इसको चेक करके मैंने जब देखा तो ये थोड़ा सा टाइट था, तो थोड़े से 10 मिनट के लिए मैंने इसको और पकने के लिए चढ़ा दिया। तो मुश्किल से 10 मिनट के बाद ये गल के अच्छे तरीके से तैयार हो गए और मैंने इसको चम्मच से चेक किया तो ये अच्छे तरीके से टूटने लगे। अब साथ में डाल देंगे हम अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे। तो इसको डालकर हमें मसाले को भूनना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है। और साथ में हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, जितना कि हमें शोरबा रखना है आलू और अंडे का, उसके हिसाब से हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर करीब 1 कप यहाँ पर पानी डाला है, आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। अब इसको हम डाल रख देंगे स्लो आंच पर पकने के लिए ताकि इसका शोरबा अच्छे तरीके से पक जाए। एक बॉयल आने देंगे इसके अंदर। और यहाँ देखें हमारा शोरबा अच्छे से पक चुका है, गैस ऑफ कर दी मैंने। और इसके बाद डाल देंगे हम कोई भी किस्म का आप गरम मसाला डाल सकते हैं, जो खुशबू वाला गरम मसाला मिलता है वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर रवि मसाला डाल रही हूँ, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, तो मैं इसको पसंद करती हूँ। साथ में डाल दूँगी मैं थोड़ा सा हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है सालन में। कोई भी सालन बनाए, कोई भी सब्ज़ी बनाए, उसमें हरा धनिया डाल दें, बहुत अच्छी खुशबू रहने लगती है। तो ये बनके तैयार हो गया हमारा अंडे और आलू का सालन, जो सर्दियों में बेहद मज़ेदार लगता है। गरम गरम रोटी या चावल के साथ आप इसको सर्व करें। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखें अंडे भी और हमारे आलू कैसे प्यारे लग रहे हैं, दोनों गोल गोल। तो इसलिए मैंने इसको काट कर नहीं डाला था ताकि ये देखने में बड़े खूबसूरत लगे। इस तरीके से आप भी ये अंडे और आलू का सालन तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।